हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है और एक्सेस के अंदर जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं और वो सॉफ्टवेयर जैसे ही हम जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट आए, ऐसा अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट करते हैं तो वही वाला प्रोडक्ट ही केवल दिखाई पड़े, उसी की रिपोर्ट केवल दिखाई पड़े, इस तरह का सॉफ्टवेयर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे। ये एक्सेस का 2021 है, आप 2007 पे भी अगर काम करते हैं या 2016 पे भी करते हैं तो आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई देगा ब्लैंक डाटाबेस, क्लिक करेंगे इस पे और जैसे क्लिक करते हैं तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा। अब देखिए यहां पर आपको सीधा सीधा क्लिक कर देना है क्रिएट पर, आप चाहे तो डेटाबेस का नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तो ये देखिए ये दिया गया है व्यू, तो यहां पर क्लिक करिए और एक ही हम टेबल बनाएंगे और एक के बाद दूसरा टेबल अब हम बनाएंगे नहीं, इसी में हमारा सारा काम हो जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले यहां पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, आईडी तो ऊपर आ ही रही है, ये प्रोडक्ट की आईडी है और यहां पे प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा। ठीक है, और जैसे प्रोडक्ट का नेम आएगा तो फिर यहां पर प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, तो प्राइस को रखना है आपको करेंसी डेटा टाइप। देखिए यहां पर ये बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिलते हैं, तो यहां से आपको करेंसी डेटा टाइप ही रख लेना है। ठीक है, जैसे रख लेते हैं तो फिर काम आसान हो जाता है, फिर यहां यूनिट की बात कर लेते हैं और या क्वांटिटी कर लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी हो गया और क्वांटिटी का जो डेटा टाइप होगा उसे क्या रखना है, उसे हमें रखना है यहां पर नंबर, और नंबर रख करके यहां पर जो लॉन्ग इंटीजर दिख रहा है इसे डबल बना लीजिएगा और अब यहां पर टोटल करना है यानी टोटल कॉस्ट COST। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर आपको मिलता है कैलकुलेटेड डेटा टाइप, जबकि 2007 में ये आपको नहीं मिलेगा, तो अगर 2016 यूज करेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर प्राइस को मल्टीप्लाई करना है यूनिट से, प्राइस मल्टीप्लाई बाई यूनिट, तो यहां पर ही हमारा यूनिट नहीं बल्कि क्वांटिटी है, तो QTY जो लिखा है हमने वैसे लिख देते हैं और यहां पर हमारा काम हो जाता है। और जैसे ही ओके करेंगे तो अब हमारा यहां पर टोटल होता हुआ नजर आएगा, तो यहां पर आप देखेंगे ये हमारी क्वेरी सक्सेसफुल हो गई है। और अब हम यहां पर आते हैं और प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट यहां पर मैं एंटर करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल OIL, तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे प्राइस पूछ रहा है, तो रिफाइंड ऑयल की प्राइस है मान लीजिए 140 रुपए या 45 रुपए। ठीक है, और यहां पर 56 क्वांटिटी परचेस की गई है, तो टोटल कॉस्ट भी यहां पर आ जाता है। देख लीजिए बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है, अब इसी तरीके से यहां पर आते हैं और यहां पर जैसे रेड चिली पाउडर है, तो ये लिखा रेड चिली पाउडर, ये हो गया रेड चिली पाउडर। और रेड चिली पाउडर जो है ये कितने का है, तो यहां पर वो अमाउंट आपको डालना है, जैसे मान लीजिए कि 125 रुपए का एक पैकेट है। ठीक है, और ऐसे पांच पैकेट मंगाए गए तो यहां पे 625 रुपए अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम टाटा पल्स की, यानी टाटा का दाल है जो कि एक किलो कितने का है, 120 रुपए का है। ठीक है, कितने का है, 120 रुपए का, और ऐसे 20 पैकेट मंगाए गए तो यहाँ पे 2400 रुपए कीमत आ गई। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रोडक्ट एंटर कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बासमती राइस है, बासमती राइस। ठीक है, तो ये बासमती राइस कर दिया और यहाँ पर जो है इसकी कॉस्ट आएगी, तो यहाँ पर कॉस्ट है 110 रुपए, तो यहाँ 110 रुपए डाल दिया और यहाँ पे 80 किलो परचेस किया गया तो यहाँ पे कीमत आ गई। तो ये कुछ टेबल के ही अंदर हमने ये सारी चीजें डाल दी हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से फॉर्म डिजाइन करना है, तो क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके यहाँ से फॉर्म डिजाइन आप कर सकते हैं या फिर आप नेविगेशन से जा सकते हैं, तो नेविगेशन से जाने का तो फिलहाल कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से विजर्ड से जा सकते हैं। ठीक है, विजर्ड से आप जा सकते हैं, तो और फिलहाल यहाँ से ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, तो चलिए इस बार ब्लैंक फॉर्म ही ले लेते हैं। ये ब्लैंक फॉर्म पर गए और यहाँ पे शो टेबल्स आ रहा है, तो बस यहाँ से चीजों को लेते चले जाना है, जैसे यहाँ पर ये आईडी आया, यहाँ पे नेम आ गया। ठीक है, और नेम के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आएगा प्राइस, तो ये प्राइस आ गया, प्राइस के बाद क्या आएगा, प्राइस के बाद आएगा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आ गया, और क्वांटिटी के बाद क्या आएगा, तो टोटल कॉस्ट आएगा, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये गैपिंग काफी ज्यादा हो गई है, मतलब गैपिंग एकदम ये एक दूसरे से सट जा रहा है, चिपका हुआ है, तो इसको यहाँ से गैपिंग थोड़ा सा कर लेंगे हम, तो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, और इसको इधर से थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो ये काम हो जाएगा हमारा।
और यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना बड़ा जरूरी है, तो यहाँ से हम जाकर के और ये बैकग्राउंड हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो होम पे जाकर के और यहाँ पर ये सीधा सीधा आप बैकग्राउंड चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ये बैकग्राउंड चेंज कीजिए और इन सबको एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके कलर प्रोवाइड कर दीजिए, कोई अच्छा सा कलर जिससे कि ये डार्क दिखे थोड़ा सा। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क दिख रहा है, और कंट्रोल वी भी कर देंगे तो और ये डार्क दिखने लगेगा, ठीक है। चाहे तो आप बटन बना सकते हैं नेक्स्ट वगैरह के लिए, फिलहाल हम बटन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से डिस्प्ले होगा। इसमें एक सेटिंग कर देते हैं ताकि ये हमें एक सॉफ्टवेयर का लुक प्रोवाइड करे। तो यहाँ प्रॉपर्टी शीट पे जाके और फॉर्म के अंदर जाके और हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉपअप को यस करेंगे। तो यहाँ से यस करेंगे ना तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, और जैसे ही ये इस तरीके से आएगा तो यहाँ पर आप इसको क्लोज करने की जरूरत है, ठीक है। और यहाँ पे ये फॉर्म वन है तो ये फॉर्म वन के नाम से तो नहीं रहेगा, किसी और नाम से इसको सेव करते हैं, प्रोडक्ट एफ के नाम से सेव करते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट एफ और एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एफ नजर आएगा, यानी प्रोडक्ट वाला फॉर्म। आप चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं, लेकिन चलिए फिलहाल इसको भी रहने देते हैं। लेकिन अब आते हैं कहाँ पर, क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पर एक क्वेरी हम बनाएंगे, ठीक है। हमें जाना है क्वेरी विजर्ड पे, ना कि क्वेरी डिजाइन पे, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेरी विजर्ड पे जाना है और सिंपल क्वेरी विजर्ड ही रखना है, ठीक है। ये जैसे ही ओपन होगा तो इसमें हमें क्या करना है, इन सारे फील्ड को ले लेना है, ठीक है। अब इसमें चूंकि क्वेरी तो है नहीं कोई दूसरी, हम तो एक यही क्वेरी, हम तो क्वेरी ही बनाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्वेरी के नाम से सेव हो रहा है, चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं, फिर मॉडिफाई डिजाइन पे इसको फिनिश करेंगे जाके, ठीक है। और यहाँ क्राइटेरिया के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्म्स आपका आ जाता है, नहीं आएगा तो आप टाइप कर लीजिएगा, एक्सक्लेमेशन लगा लीजिएगा, और हम खोजेंगे क्या, प्रोडक्ट एफ के अंदर ही खोजेंगे और आईडी के बेस पे खोजेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप नेम के बेस पे खोजना चाहते हैं या आईडी के बेस पे, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर आईडी के बेस पे इसको सर्च करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेव भी हो जाएगा, ऑलरेडी सेव ही है ये। तो अब इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो गया। अब क्या करना है, अब हमें रिपोर्ट डिजाइन करनी है। तो रिपोर्ट हमें प्रोडक्ट क्वेरी के बेस पे डिजाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट पे जाके देन यहाँ से रिपोर्ट विजर्ड पे जाएंगे, विजर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेरी दिखाई पड़ेगा। तो ये जो क्वेरी है ना, इसी क्वेरी के बेस पे हम अपना रिपोर्ट पूरा तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के और यहाँ पर नेक्स्ट करिएगा और यहाँ पर आकर के इसको आईडी ही को हम प्राथमिकता देंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसको हम ब्लॉक में रखेंगे बस यहाँ पर जाकर के, और इसको भी आप मॉडिफाई कर लीजिएगा और इसका नाम चेंज कर लीजिएगा, प्रोडक्ट रिपोर्ट कर देते हैं रिपोर्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट की रिपोर्ट है और यहाँ से आप चाहे तो इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से इसे डिजाइन कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कौन सी फील्ड को कितना बड़ा या छोटा रखना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ से भी आके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जगह कंटेन किए हुए है। तो यहाँ पर आकर के अच्छा यहाँ पे देखिए इसका भी काफ़ी ज़्यादा साइज बड़ा है, इतना ज़्यादा स्पेस हमें इसमें नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ से जा करके इसको भी छोटा रखेंगे। बाकी प्राइस को इधर लेके आएंगे और यहाँ से भी प्राइस को इधर लेके आएंगे, और ये आपका क्वांटिटी है तो क्वांटिटी को भी लाएंगे और देन टोटल। तो ये हमारा सब हो गया, देख सकते हैं ये क्वांटिटी है हमारी और यहाँ पे ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, देख सकते हैं। और यहाँ से चाहे तो आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं इस तरीके से करके, ताकि ये पूरा पूरा दिखाई पड़े। तो अब ये हो गया है, अब हमको क्या करना है, अब इस क्वेरी को जो ये बनाया था जिसके बेस पे हमने रिपोर्ट, इसको भी सेव कर लेना और क्लोज कर देना है। अब क्लोज करके यहाँ पर आना है, ये आते हैं यहाँ पर तो आपको दिखाई पड़ता है यहाँ पे वन, ठीक है, ये वन ही दिखाई पड़ रहा है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे फोर कर दिया हमने अगर, तो अब अगर हम रिपोर्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिपोर्ट में जो प्रोडक्ट आईडी फोर है वही वाला केवल रिपोर्ट ओपन हुआ है। अब आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, तो कंट्रोल पी करके आप इसे चाहेंगे तो इसे प्रिंट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जब प्रिंट करेंगे तो सिर्फ एक ही पेज प्रिंटिंग में आएगा और पूरा सारा जो डिटेल है वो प्रिंटिंग में नहीं आएगा, केवल एक ही पेज प्रिंटिंग में आएगा। तो ये आपको फायदा रहता है, समझ रहे बात को, ये आपको फायदा रहता है। और देखिए ये केवल एक ही पेज प्रिंट करेगा, पूरा का पूरा प्रिंट नहीं करेगा, समझ रहे बात को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ से अगर मैं जाता हूँ और चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने थ्री कर दिया,
तो अब अगर हम यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं, ये देखिए ये, तो यहाँ पे थ्री वाला ही डिटेल आपको दिखेगा केवल, देखिए ये थ्री वाला ही डिटेल दिख रहा है, ठीक ना। अब इसी तरीके से आपको अगर कोई भी रिपोर्ट देखनी हो तो आप फॉर्म में चेंज कीजिए और रिपोर्ट यहाँ पर अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर टू कर दिया, तो टू करने से यहाँ रेड चिली पाउडर आ रहा है, तो एक बार बस आपको रिफ्रेश करना है तो यहाँ पर भी आपको रेड चिली पाउडर ही दिखाई पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी बात आपको क्लियर हुई होगी कि ये कैसे करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।